मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस अभी तक अपने 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, वहीं भाजपा ने अभी तक किसी भी नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि उपचुनाव में भाजपा के कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। इनका फीडबैक ठीक नहीं आने वाला है, क्योंकि एक भी 25 में जीतने वाला नहीं है और कईयों की जमानत भी जब्त होगी। तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 25 के 25 बदले, क्योंकि इनकी हर क्षेत्र में बुरी हालत है। और जो लोगों में भावना आ गई कि लोगों ने पैसे लेके इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो 5 साल के लिए चुने गए थे उनको 15 महीने में इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता पड़ी? और अगर कोई वो थी तो वहाँ लड़ते, विधायक रह के विधानसभा में लड़ते, सड़कों पे लड़ते। पर उन्होंने अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे भी गद्दारी की। उनका जो हक था मतदाताओं का, उसको उन्होंने मिसयूज़ किया है। क्योंकि अगर 5 साल कमलनाथ जी की सरकार रहती और काम ठीक नहीं होते, तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को जनता ने बदला था, ये जनता को अधिकार था, ये इन 25 विधायकों को नहीं था। इसलिए हमारा नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और ये पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्रों में पूरी तरह से गूंज रहा है और लोगों के दिलों पे हो रहा है कि हमारा जो अधिकार था सरकार बनाने या बिगाड़ने का, वो इन 25 लोगों ने उसका मिसयूज़ किया है। इसलिए एक भी नहीं जीतेगा, इन सबकी जमानत जब्त होगी। कि 3 सीट तो कर सकते थे, वो तो उनके बीजेपी के लोगों को करना था, उसमें भी है। ये निश्चित तौर पर पूरी तरह से, और न फील्ड पे हैं ये और न ही कागजों पे, कहीं नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर देरी इसलिए हो रही है, द्वंद चला हुआ कि इनको टिकट दे के नहीं दें। कोई देरी नहीं, जल्दी क्यों कर रहे हो? उसमें हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। संकल्प पत्र संकल्प है प्रदेश के विकास का, संकल्प है किसान के आय को दुगने करने का, संकल्प है रोजगार देने का, नौकरियां निकालने का, और उस संकल्प को हम लगातार पूरा करते रहते हैं, संकल्प दें या न दें। कांग्रेस के संकल्प की तरह कभी झूठ नहीं बोलते। 2,10,000 में माफ कर देंगे, आज तक नहीं किया, एक का भी नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से झूठ बुलवा दिया, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और अब जो है विधानसभा बार संकल्प निकाल रहे हैं। उसके बाद में जब बाढ़ चुनाव होंगे तो बाढ़ के संकल्प होंगे और फिर घरों तक आएंगे ये। माने कहाँ तक झूठ बोलेंगे, ये इसकी सीमा नहीं है, इन्होंने सीमा ही निर्धारित नहीं की है इसकी, कि घरों तक झूठ बोलते हुए जाएंगे। संकल्प निकालने के पहले जवाब दें। अभी संकल्प में फिर लिख दिया है कि हम आएंगे दोबारा तो फिर कर्जा माफ़ करेंगे। ये क्यों नहीं लिखा कि तब क्यों नहीं किया था, और तब कर दिया था तो अब क्यों कह रहे हो कि करेंगे? छोटी सी बात है, और फिर आ जाएंगे सरकार में तो कह देंगे खजाना खाली है, रटी रटाई बात होगी इनकी। ये उद्योगपति है और कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से इन्होंने 15 महीने प्रदेश को चलाया है। अब 15 महीने में इन्हें क्या किया है ये बोल के जाए ना जनता के बीच में, तब तो लगता है कि हाँ भाई कांग्रेस के नेता हैं, ये अपने 15 महीने के काम को लेके जा रहे हैं। हमारी आलोचना करो जाके, हमारी बुराई करो, हम कैसे हैं ये हम 15 साल शासन के बाद भी जनता को बता चुके, और कांग्रेस से ज़्यादा वोट आए हमारे 15 साल सरकार के बाद में। एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, तुम तो 15 महीने नहीं संभाल पाए अपनी सरकार, खुद के बोझ से ही भरभरा के गिर पड़े। अरे आप अपना काम बताओ और जनता के बीच जाओ।